नमस्कार दोस्तों, रे एजुकेशन एकेडमी के न्यूज यूम करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाओं के साथ हम उपस्थित हैं और इसको हम यहां पर कवर करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ घटनाएं जो भी घटी हैं आजकल में, उसको एक एक करके हम लोग जो देखेंगे ताकि परीक्षा के संदर्भ में आपकी तैयारी को जो मजबूत किया जा सके। आप अपने जो परंपरागत विषयों का अध्ययन कीजिए, साथ में इन संक्षिप्त जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो करंट अफेयर्स की जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको कवर करने का जो प्रयास कीजिए। तो आइए एक एक करके हम लोग जो है इसी क्रम में देखते हैं। एक क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, उसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज की जो भी बात कही गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज हाल में ही जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है कॉइन डीसीएक्स एक क्रिप्टो एजेंसी है जिसने अपने जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो अमिताभ बच्चन को बनाया है। अमिताभ बच्चन को क्वाइन डीसीएक्स क्रिप्टो एजेंसी है, एक्सचेंज है, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में एक समझ होनी चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हमने पूर्व में जो बताया है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में जो बढ़ रही है, लेन देन का एक माध्यम बनी हुई है। अलग अलग देशों में उसकी मान्यता है, कुछ देशों में नहीं भी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जो है देख रहे हैं। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण घटना, अरुणाचल प्रदेश में भी हाल में ही जो है कुछ क्षेत्रों को जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी कि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में ही जो कुछ क्षेत्रों को अशांत, यानी कि तीन जिले हैं जिन्हें यहाँ पे जो है अशांत घोषित किया गया है। कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिससे वहाँ पे जो है इस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया। अशांत घोषित करने के बाद सरकार के पास जो उसको नियंत्रित करने के कुछ अपने और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उसे अशांत क्षेत्र जो घोषित किया जाए। तो पूर्वोत्तर में जो है अरुणाचल प्रदेश जो कि पूरब में है, एकदम पूर्वोत्तर में भी, तो वहां पे तीन जिलों को जो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर से ही एक और महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह भी जो है पूर्वोत्तर से जो है सिक्किम ही है। पूर्वोत्तर से जो है सिक्किम आता है जिसने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोतल बंद पानी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, और यह है जो सिक्किम एक और मामलों में जाना जाता है जैविक खेती के लिए, जो सिक्किम बहुत ही अच्छी व्यवस्था इसने किया है। जो सिक्किम में जो है जैविक ऑर्गेनिक जो है खेती की जाती है। परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो सिक्किम ही जो है ये देश है जिसने जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया और काफी क्षेत्रफल में जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती का कार्य किया जाता रहता है। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व है, सभी देशों में महत्व है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों की एक निश्चित मात्रा है, यदि वो समाप्त हो जाएगा तो ऊर्जा के स्रोत के लिए जो समस्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है ये समझना आवश्यक है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को किसी न किसी शोध के माध्यम से किसी न किसी तरीके से ज़्यादा प्रयोग में लाना है और जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम करना है। इसी क्रम में जो है भारत में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर सिस्टम भारत में जो स्थापित किया गया है, और ये मध्य प्रदेश के कहां पे ओंकारेश्वर में जो है बनाया गया। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बनता है।
अगला महत्वपूर्ण जो है सवाल है कोविड-19 के टीकेकरण को लेकर के है कि भारत में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा भी जो है टीके लगाए गए हैं। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है लेकिन इसके साथ में जो है भारत का वह कौन सा देश है जिसने अपने 100% जो है वयस्क आबादी को वैक्सीन दे दिया है, वयस्क आबादी को वैक्सीन उपलब्ध करा दिया, यानी कि 100% जो है वयस्क नागरिकों को जो है उसने वैक्सीनेटेड कर दिया है। तो इस तरीके का ये जो है राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसने अपने 100% वयस्क आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। जो है अगली महत्वपूर्ण सूचना, भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, हमेशा से जो है अभ्यास होते रहते हैं भारत प्लस जो है जर्मनी के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ है, अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी ये याद करना है क्योंकि ज्यादातर जो है आसपास के क्षेत्रों में होता है। भारत और जर्मनी के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ वो अदन की खाड़ी में हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको जानकारी में रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण जो सूचना और जानकारी है वो साक्षरता के क्षेत्र से है, भारत में एक ऐसा राज्य है जिसने 2030 तक का एक डेडलाइन बनाया हुआ है कि वहां तक हम 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कब तक के लिए बनाया है इसने, 2030 तक के लिए इन्होंने बनाया है, कितना 100% जो है साक्षरता के लक्ष्य को इन्होंने बनाया है और वो कौन सा राज्य है जिसने ये बनाया है, तो ये है नागालैंड, नागालैंड के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो यह कुछ आजकल की महत्वपूर्ण जो है घटनाएं थी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स थे। अपने परंपरागत अध्ययन के साथ साथ इन चीजों को भी देखते रहिए, समझते रहिए, तो एक कल्चर एक संस्कृत बनती रहेगी और आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं रहेंगी आप उसका अगर जुबानी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो भी आप विकल्प को देख करके जरूर उत्तर लगा पाएंगे। तो ये थी जो है कुछ आजकल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इससे आप जो लोग देखिए अपने परंपरागत जो विषयों का अध्ययन कीजिए, अपने हाथ को मजबूत कीजिए एग्जाम के लिए। पुनः अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।